हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अब बरसात के मौसम चालू हो चुके हैं, हर जगह बरसात हो रही है, तो बरसात के मौसम में हम लोगों को कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है। तो आलू हम गर्मियों में तो इतना नहीं खाते, बट बरसात के मौसम में हम आलू खा सकते हैं। तो आज मैं आलू से एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर लिया है 2 कप। आप चाहें तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैं डाल दूंगी आधे चम्मच देसी घी, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पे 2 चम्मच घर का फ्रेश दही। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लूँगी और अच्छे से एक हम सॉफ्ट डो लगा के इसका तैयार करेंगे। हमें बिल्कुल भी टाइट डो नहीं लगाना। तो यहाँ पे डो लग चुका है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी करीबन 15 मिनट के लिए। तो जब तक हम स्टफिंग बनाते, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, और यहाँ पे मैं ले लूँगी करीबन 4 आलू उबले हुए। आपको जितना बनाने आप उसके अनुसार आलू ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी छोटा वाला ग्रेटर, और इससे हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हाथों से भी हम इनको फोड़ सकते हैं, हाथों से गांठें रह जाती हैं आलुओं में। अब यहाँ पे हम बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 4 हरी मिर्च, आप तीखा अपने अनुसार रख सकते हैं। और फिर हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इसको मैंने तवे पे भून लिए, तो जीरा को इसको अच्छे से पीस लिया। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी धनिया, ये सजा धनिया है जिसको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया। इसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच व्हीट फ्लावर, आप चाहें तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी देखिए, एक अच्छा सा डो बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले से ही इनके बॉल्स बना लूंगी इस तरीके से, जिससे कि हमें आगे आसानी रहती है जब हम कुछ भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बॉल्स मैंने बना लिए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने आटा रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। आटा देखिए मैंने कितना ढीला लगाया, यानी कि सॉफ्ट। तो देखिए, इस तरीके से मैं आटे को बाहर निकाल लूँगी बाउल से और काउंटर टॉप पे रख लूँगी। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सूखा आटा, आप चाहें तो आटे की जगह पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसको एक बार इस तरीके से मसल लेंगे आटे को, ताकि इसमें चिकनावट आ जाए और आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से मैंने आटे को मसल लिया है अच्छे से। अब मैं क्या करूंगी कि एक हाथ से आटे को इस तरीके से पकड़ लूंगी, दूसरे हाथ से आटे को इस तरीके से स्ट्रेच करती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है उसमें बहुत अच्छा लचीलापन आएगा, और स्ट्रेच करने से होगा ये कि जो आटे में ग्लूटेन है वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो भी हम इसकी चीज़ बनाएंगे, आटे की बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को 3 से 4 बार स्ट्रेच कर लिया, और यहाँ पे देखिए, जो हमारा डो अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। अब मैं इसका रोल बना लूँगी अच्छे से, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं तब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रोल बना लिया इस तरीके से। अब मैं एक चाकू ले लूँगी, और चाकू की हेल्प से अच्छे से मैं इनमें कट लगा लूँगी। ज़्यादा बड़ी लोइयाँ भी हमें इसकी नहीं बनाई, और ना ही ज़्यादा छोटी, एक मीडियम साइज़ की हमें लोइयाँ बनानी है। यहाँ पे मैं एक लोई इस तरीके से उठा लूँगी, अच्छे से अंदर की तरफ करते हुए अच्छी सी लोई बना लूँगी मैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सारी लोइयाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लूँगी। अब हम एक एक लोइयाँ उठाते जाएंगे, और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इनको बेल लेंगे। पूरा हमें इनको नहीं बढ़ाना है, अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं बेल के इनको साइड करती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने इन सभी को बढ़ा लिया इस तरीके से। अब जो हमने आलू के बॉल्स बना के रखे थे, वो हम सभी इनमें लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, सभी बॉल्स को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इनको उठाती जाऊंगी साइड से, और इस तरीके से मैं इनको कवर कर दूंगी सभी बॉल्स को। यहाँ पे देखिए, अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, कहीं से भी बिल्कुल दिखाई नहीं देने चाहिए। यहाँ पे अच्छे से मैं इनको कवर कर दूंगी, सील पैक कर दूंगी अच्छे से। यहाँ पे इस तरीके से हम अच्छे से इनको बंद कर देंगे, और ऊपर से भी अच्छे से प्रेस कर देंगे, और ज़्यादा टाइट हमें इनको प्रेस नहीं करना है, जिससे कि जो हमारी आलू की फिलिंग है वो बाहर ना आ जाए। इसी तरीके से मैं सभी बॉल्स को कवर करती जाऊँगी। अब यहाँ
यहाँ पे देखिए सभी को मैंने अच्छे से कवर कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक जो फिल की हुई बॉल्स थी वो हम उठा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने सूखा आटा डस्ट कर दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने बेलन ले लिया, अच्छे से हम इनको बेल लेंगे। तो जब भी हम कोई फिलिंग वाली चीज़ बनाते हैं तो उसको हमें हमेशा सेंटर से नहीं बेलना होता है, साइडों से बेलना होता है। बिल्कुल भी हमें सेंटर में प्रेशर नहीं डालना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बेल रही थी एकदम साइड में, इस तरीके से मैं बेलन लगा रही हूँ। धीरे धीरे हम इसको उठाते जाएंगे और इस तरीके से हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने वाइट तिल लगा लिए हैं, तो आपके ऊपर है कि अगर आप वाइट तिल लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इनको बेल लूँगी साइड में बेलन लगाते हुए। यहाँ पे देखिए सभी को मैंने बेल लिया। यहाँ पे मैं लगा लूँगी थोड़ा सा पानी इस तरीके से, नहीं हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ तंदूरी आलू नान, जो कि हम बनाएंगे विदाउट तंदूर और वो भी बनाएंगे हम गैस पे। यहाँ पे देखिए मैंने आयरन का तवा रख दिया। ये जो आयरन के तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं, तो जिस साइड से हमने पानी लगाया था उसी साइड से हम तवे पे डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखा है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। और एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से हम इसको दबा देंगे ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए और ये जब हम इनको सेकेंगे तो ये नीचे ना गिर जाए। और इसको हमें हमेशा आयरन के तवे पे ही बनाना है, जिससे कि बहुत अच्छा बनता है, नॉनस्टिक पे इतना अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए बबल्स आ चुके हैं, तो मैं तवे को इस तरीके से उल्टा कर लूँगी और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। चारों साइडों से हमें इसको घुमाते रहना है, कहीं से भी ज़्यादा हमें इसको नहीं सेकना, जिससे कि ये जल ना जाए। तो इसी तरीके से हम चारों साइड से इसको घुमाते रहेंगे और देखिए जो हमारा नान है कितना अच्छे से फूलने लगा है। तो सभी नान जो अगर हम इस तरीके से बनाते तो अच्छे से हमारे फूल के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो हमारा नान है चारों तरफ से सिक चुका है। देखिए कितना अच्छा फूला फूला नान बनके तैयार हो। अब मैं कलछी ले लूँगी और कलछी की हेल्प से अच्छे से हम इसको छुटा लेंगे, बहुत आसानी से छुट जाता है तवे पे से। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छा नान हमारा बनके तैयार हुआ है। और पीछे से भी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे हमारे फूले फूले जो नान है वो बन के तैयार हो रहे हैं। और मक्खन या घी जो भी हमें लगाना है वो हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि तवे पे हम नहीं लगाएंगे, उससे जो हमारा तवा है वो चिकना हो जाएगा और बाकी के नान हमारे अच्छे से नहीं सिक पाएंगे। और सभी का देखिए टेक्सचर भी कितना अच्छा आ रहा है पीछे से भी, और परफेक्ट जो नान है हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। और जब हम नान को इस तरीके से डालेंगे तो उनको प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए ये वाला नान भी कितना अच्छे से फूल के तैयार हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ये भी और टेक्सचर इसका पीछे से भी। तो चलिए अब हम इनको प्लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी को मैं इस तरीके से प्लेट पे निकाल लूँगी। अब आप चाहें तो इस पर मक्खन भी लगा सकते हैं या फिर देसी घी। मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ, दोनों से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है नान में। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखा देती हूँ कितने अच्छा सॉफ्ट जो हमारा नान बन के तैयार हुआ है, वो भी विदाउट तंदूर। तो यहाँ पे मैं एक नान आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा नान हमारा बन के तैयार हुआ है। जब आप मेरे तरीके से नान बनाएंगे तो बाहर से तो आप नान लाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे और घर पे ही बना के तैयार करेंगे। बस इस बरसात के मौसम में आप भी एक बार ये आलू नान जरूर ट्राई करें, वो भी विदाउट तंदूर, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।